दोस्तों सब्सक्राइब करें राज शर्मा इंदौरी चैनल को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सोनू शर्मा जी ने रिसेंटली नेस्टवीज छोड़कर वेस्टीज में अपना सफर स्टार्ट किया है, तो आप से हम आपको उनके भी कुछ ग्रेट वीडियोस अपने इस चैनल राज शर्मा इंदौरी पे दिखाना स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। दोनों दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। आज का टारगेट लाइक रखते हैं 1000, और 1000 लाइक होने पे और वीडियो आपको देखने को मिलेगा। लोग उस कह रहे हैं कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, इतना नेगेटिविटी है, इतनी टेंशन है, इतना परेशानियां हैं, लोग जुड़ते नहीं है, आपका फोन नहीं उठाते, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं इस बिजनेस के बारे में, इसको अच्छा नहीं समझते हैं। कोई अगर आपको किसी को आपके कोई अच्छे खानदान में किसी को पता चल जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो आपको पता कैसे बोलते हो, तू भी अच्छा तू भी तो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई रेप करके आया किसी का, तू भी कर रहा है। और कोई अगर आदमी कर भी गया तो वो शर्माता है बताते हुए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। अगर कोई पूछे तुम क्या करते हो, हम हॉलीडे का काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बताते भी फटती है साला, नहीं कि सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में, है ना? और कुछ लोग ये जीके डिफेंस कॉलोनी वाले टाइप, हमारे लेवल का नहीं है ये, फिर लेवल की दुहाई भी देते हैं। तो इतनी नेगेटिविटी है तो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, फिर और बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं जवाब देता हूं इसका दूसरा, मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करें, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आई रिप्लाइड व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, किसी बहुत बढ़िया बैंक में जॉब करता है, करीब करीब 1.5 करोड़ का पैकेज है उसका। 1.5 करोड़ का पैकेज का मतलब करीब करीब 12 लाख रुपए महीने का सैलरी है उसका। और 12 लाख रुपए का सैलरी इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ गुड अमाउंट। तो वो जब तक मुझसे नहीं मिलता बहुत सुखी रहता है, खुश रहता है। जब जब मुझसे मिलता है वो उदास होकर जाता है मुझसे। तो he was coming from Singapore, called me, कहाँ है? तो मैंने बोला मैं नॉर्मली मैं घर पे ही होता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ मतलब सर्दी में क्या जाएगा आदमी। अब मुझे लोगों ने बोला आज सर्दी क्या करेगा, मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा, रजाई में से अंगूठा बाहर निकालूंगा, टेम्परेचर चेक करूंगा, ज्यादा ठंडा होगा तो वापस ले आऊंगा, सो जाऊंगा, और क्या करना है। अंगूठा देखेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, नहीं होगा तो वापस। हमें कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं जो जाना ही है मफर बांध के। तो मैं बोलता हूं व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसको वो सिंगापुर से आ रहा था तो एयरपोर्ट पे T3 से उसने बोला कहां है, तो मैंने बोला घर पे हूं। उसने बोला तू आ जा विवांता पियेंगे। तो मैंने कहा देख मैं तो पिता नहीं कर रहा, तो कंपनी दे दे आ जा। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला चल उसको भी काम मिल जाता है ऐसी बहाने। मतलब उसके पास कोई काम नहीं होता, वो भी सोचता है साला क्या क्यों रखा इसने मुझे। इस दुनिया में सबसे खुश ड्राइवर मेरा है, 7 दिन में 2 दिन काम होता है, 5 दिन छुट्टी उसकी। तो मैंने उसको बोला चल दीपक चले, तो हम लोग ताज विवांता चले गए। तो इतना वो भी कैब पकड़ के आ गया, तो उसने ऑर्डर किया अपना पीने के लिए, मैं नॉर्मल जूस वूस पीने लग गया। तो जब उसने 3-4 लगा लिए तो उसको चढ़ गई, बोला तू बहुत चौधरी आजकल। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, क्या गलती कर दी, तेरे बड़े चर्चे हैं, तू आजकल बहुत नेटवर्क मार्केटिंग करता है, टाइम मल्टीप्लिकेशन की बातें करता रहता है, कह रहा नौकरियां छोड़वा दो, नौकरी वाले गधे हैं, पागल हैं। अरे मैंने कहा भाई मैंने क्या गलती कर दी, क्या फर्क है नौकरी में और तेरे धंधे में, साले जितने पैसे तू कमाता है हम भी कमा रहे हैं, तू भी क्लास चलाते हैं हम भी क्लास चला रहे हैं, क्या फर्क है। मैंने कहा भाई क्या गलती होगी, मैंने कहा तू जा अपना घर, मैं भी अच्छा उनको क्या है जो हमारा पुराना कॉलेज स्कूल का जो ग्रुप होते हैं आजकल व्हाट्सएप के ना, तो उसमें सब चर्चे रहते हैं कि ये लौंडा कुछ कर रहा है ना, 5,000 लोगों से बात कर रहा है, तो चर्चे तो रहते हैं आपस में। आजकल मैं बहुत सारे आधे हिंदुस्तान का कजन हूं, चाचा जी का बेटा हो गया, मुझे चाचा जी के मिले थे आपके। अरे मैंने कहा मेरे चाचा जी एक ही है मेरे घर में रहते हैं, और कौन से
तो हो जाता ना दोस्ती निकाल लेते हैं फिर लोग बाग। तो आजकल तू बहुत चर्चा में है, आजकल तेरे बड़े चर्चे हैं, यूट्यूब छाया हुआ है, तू बहुत चौधरी है साले, हम पागल है नौकरी करते हैं, क्या फर्क है तेरे काम में और। मैंने कहा यार रहने दे, अभी तूने इनटेक ज्यादा कर लिया है, फिर कभी और चर्चा करेंगे। उसने बोला आज जब तक बताएगा नहीं साले तेरे को मैं। तो मैंने उसको बोला पहला फर्क यह है भाटिया कि तू मर्सिडीज मेंटेन करने के लिए नौकरी कर रहा है, मैं मर्सिडीज अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा हूं। दूसरा फर्क यह है मिस्टर भाटिया कि भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाए तो तेरे घर में ये 1.5 करोड़ का सैलरी कभी क्रेडिट नहीं होगा, और भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर में जो 2 करोड़ रुपए का पर एनम इनकम आता है वो जिंदगी भर क्रेडिट होता रहेगा, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीछे भी काम करेंगे। और तीसरा फर्क यह है तू अभी सिंगापुर से वापस आया है, अब एक काम करते हैं हम दोनों एयरपोर्ट चलते हैं और 3 महीने की छुट्टी पे मॉरिशस जाते हैं। तू नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूं, ये फर्क है। और सुन, उसने बोला वेटर बिल ले आओ। तो मैं बोलता हूं व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, कौन सा बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है इस दुनिया में? आप 20 साल नौकरी करने के बाद भी 21वें साल जॉब पे जाते ही हो सर, आप 10 साल नौकरी करने के बाद भी 11वें साल नौकरी पे, देखो मैं नौकरी का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन आप समझने का कोशिश करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में और नौकरी में फर्क क्या है। चांदनी चौक में एक दुकान 200 साल के बाद बंद हो गई मिठाई की, 200 ईयर्स ओल्ड जॉब शट डाउन बिकॉज ऑफ रिसेशन, यानी 2 साल में जो मेहनत की वो 1 दिन में आके क्या हो गई, 0। मेरे को इस बिजनेस में 10 साल हो गए, करीब करीब 8 लाख लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगा तो भी पैसे आते रहेंगे। Why not नेटवर्क मार्केटिंग? ये बिजनेस नहीं करें तो और क्या करें? माना जी सामने बैठे, माना जी का फोन आया एक दिन मेरे पास, तो मैंने फोन नहीं उठाया इनका, 4-5 बार मिस कॉल, और उसी फोन ने इनको नौकरी छोड़ने पर प्रेरित किया। तो मैंने वापस आके फोन किया, हाँ जी सर आपका फोन आया था। बोला सर आप फोन नहीं उठा रहे, 4 बार हम आपको फोन कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? मैंने कहा बरसात हो रही थी, 2 घंटे से छत पे नहा रहा था। तो बोला साला हम टोल टैक्स की लाइन में लगे देर से, हम नौकरी के झंझट देख रहे हैं, तुम नहा रहे थे? मैंने कहा बोला हम नौकरी नहीं कर रहे, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तुम जाओ, मुझे क्या पता था अगले दिन ये आदमी नौकरी छोड़ देगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे जो इंसान बना दिया वो पैसा कमाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा 20 करोड़ रुपए लोग एक दिन का भी कमाते होंगे, लेकिन जो मैं प्रोडक्ट बन गया हूं वो प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा इस दुनिया में कोई मुझे बना नहीं सकता था। खाली पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, पैसे के साथ साथ आप क्या बन रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलता हूं व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? मेरे पास 80,000 रुपए का लोन था जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ। मैंने बोला पापा जी क्या हमारे पास, सॉरी 3 लाख रुपए का लोन था, 80,000 रुपए का तो मैंने लोन लिया था उस 3 लाख के लोन को भरने के लिए। जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ 98 के अंदर, मैंने फादर से पूछा तो पापा मैं ग्रेजुएट हो गया, व्हाट इज अ गिफ्ट फॉर मी? उसने बोला 3 लाख का कर्जा है तुझे देना है। यस, लंबी कहानी। मैंने वो सब उतारा एक ही धंधे की वजह से, जिस आदमी के पास स्कूटर में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे साहब, वो ई क्लास में आप बात करने आया है। व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? ये नहीं तो और क्या कर सकते थे फिर? आपको आंसर देना चाहता हूं, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? स्कूटर से पहुंच गए सर यहां पर, ये ई क्लास है सर, ये मैं ही हूं। 1773 रुपए की किश्त भरता था ये आदमी अपने स्कूटर की, 1773, 3 लाख रुपए का इसके ऊपर कर्जा था जिसको उतारने के लिए इसने कर्जा लिया दोबारा से। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला फरीदाबाद सेक्टर 23 ब्रांच में 3 लाख रुपए का कर्जा था, उसको भरने के लिए पंजाब सिंध बैंक से मैंने 80,000 रुपए का लोन फिर लिया, और गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है ई क्लास। मैं बोलता हूं व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? मेरा घर मोड गेट्स था,
गिरवी जिसको बोलते हैं फिल्मी लैंग्वेज में, बिक जाता अगर मैं डायरेक्ट सेल्स नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। मैं इस घर में रहता हूं सर, दिस इज माय होम, इट्स अ 7000 स्क्वायर फीट होम। मैं लोगों से पूछता हूं नेटवर्क मार्केट नहीं करता तो क्या मैं रहता यहां पे? लोग क्या बोलते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह, लोग तो आपको कुछ भी। तो आंसर मैं देना चाहता हूं कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने बहुत हिम्मत से, बड़ी मेहनत से इस बिजनेस को करते करते इस घर को डिजाइन किया।